नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज सिस्टम, विनिमय की प्रणालियाँ। देखते हैं, विनिमय की दो प्रणालियाँ होती हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली तथा वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। मुद्रा विनिमय प्रणाली, इसके अंतर्गत वस्तु का लेन देन मुद्रा की सहायता से किया जाता है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में यही प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली का जन्म वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों के कारण हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है। इस प्रणाली की निम्न कठिनाइयां हैं। नंबर 1, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हों जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हों। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि मेरे पास जो वस्तु है जो आपको चाहिए हो और जो आपके पास जो वस्तु हो जो मुझे चाहिए हो। इसलिए ये प्रणाली दोषपूर्ण रही। वस्तु विभाज्यता, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को टुकड़ा कर करके नहीं बेचा जा सकता था, इसलिए उसकी ये दोष रहे। तीसरा, वस्तु एकत्रीकरण, वस्तुओं को एकत्रित करके भी नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए एक किसान है, वो अपनी फसल को कब तक इकट्ठा करके रख सकता है और बेचने के लिए। इसलिए कई इसकी दोष रहे हैं जिसके कारण मुद्रा विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। थैंक यू।